आप लोग मणिपुर वायरल वीडियो के बारे में कंडेमनेशन करने के लिए जोर पर है, वो अमानवीय संगठन है, इस पर कोई शंक नहीं आप करना है, मगर आप अपना क्रोध संभाल के रखिए, आपका शब्द भी संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाला दिन इससे बदतर चीज़ हमको देखने के समझने की ज़रूरत आ रही है। जहाँ जहाँ बुद्धिज्म और अब्राहम रिलीजन पहला है वहाँ पे कम्युनिज्म इजीली घुस जाती है, ऐसे ही हुआ मणिपुर स्टेट में। बैरन सिंह ने स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, 50 ईयर्स से वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, क्या आप लोगों को मालूम है? यहाँ पर प्रॉब्लम वो आ रही है, कुकीज माइटिस को बिलीव नहीं थी, माइटिस नागास को, ये दोनों को एक दूसरे को बिलीव ही नहीं थी। आपको याद होगा कि 2015 जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तब UNLFW ने एक इंडियन आर्मी पर अटैक किया, तो तब से अपोजिशन ट्राई कर रही है ये नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी जी पे तोप कर, इनका फर्स्ट टर्म है ही ये फेलियर हो गया बोल के दिखाने का। नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विज स्टोरीज। आप लोग मणिपुर वायरल वीडियो के बारे में आप क्रोध व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया में या पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में या पार्लियामेंट के सामने ये सारा स्टेट का फेलियर है, सेंटर का फेलियर है या ऐसा बोल के वहाँ पे कंडेमनेशन करने के लिए जोर पर है, वो अमानवीय संगठन है, इस पर कोई शंक नहीं आप करना है, मगर आप अपना क्रोध संभाल के रखिए, आपका शब्द भी संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले दिन इससे बदतर चीज़ हमको देखने के समझने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि यही सेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आने वाले दिन में LGBTQ राइट्स के ऊपर अपना न भूत और न भविष्य वाली जजमेंट देने वाली है। उस जजमेंट के दौरान हमको क्या ऐसे अपना क्रोध व्यक्त करेंगे, क्या शब्द उपयोग करेंगे तब, क्योंकि हमारा जो भी जजमेंट्स होता है वो यूरोप कंट्रीज़ को देखकर उनका इन्फ्लुएंस हमारे जजमेंट्स में होती है, बहुत बार तय हुआ। तो ऑलरेडी यूरोप कंट्रीज़ में ये LGBTQ राइट्स का वहाँ पे नंगा नाच देखने को मिल रहा है, वहाँ के बच्चे को प्रॉपरली मैनिपुलेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम भी रेडी होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि मोदी जी है फ्री करंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गेहूं का आटा देंगे, और रिलायंस जियो अंबानी जी है 5G इंटरनेट देंगे, फुर्सत से हम वीडियोस देखते हुए हम हमारे बच्चों से या खुद फैमिली में ये डिस्कस करेंगे क्या ये राइट्स कितना ना भूतो ना भविष्यती वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिया है, अब आने वाला समाज में ये होगा वो होगा बोल के डिस्कशन करेंगे, डेबिट्स करेंगे, कंडमनेशन करेंगे, तो इसके लिए शब्द आप संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में ये तय नहीं हो रहा है कि वुमेनिज्म चली जाएगी, मैन शाउनिज्म चली जाएगी, एक ही जो LGBTQ का शाउनिज्म देखने को मिलेगा, तो आप रेडी हो जाइए। दूसरा बात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से चंद्रचूड़ सिंह इस बात मणिपुर वायलेंस के वायरल वीडियो के बारे में देखते हुए सेंटर को एक दोषी ठहराया, और हाईकोर्ट जिसने जजमेंट दी कि आप गवर्नर के साथ ये डिस्कशन करके सबमिट करें ताकि ST स्टेटस मणिपुर जो एथनिक ग्रुप है उनको ये स्टेटस दिला जाए, तो ये हाईकोर्ट से शुरू होने वाला मामला को सुप्रीम कोर्ट ने कंडम किया, मगर कौन सुना वहाँ पे, किसी ने नहीं सुना। हाईकोर्ट का डिसीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करने दिया, मगर कौन सुना मणिपुर में, इससे ये पता चलता है दिल्ली में बैठकर स्टेटमेंट्स नहीं दिया तो कोई सुनने वाला नहीं है, ये कोई केरला का सबरमला इशू नहीं है, जो प्रशांत हुआ स्टेट, जो पीसफुल स्टेट है उसमें आपने यही सुप्रीम कोर्ट ने एक रकस क्रिएट किया, वायलेंस क्रिएट, इसको वायलेंस कहते हैं, मगर जो मणिपुर में हो रही है, मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वो वायलेंस नहीं इंसर्जेंसी है, क्योंकि वो आगे आप जानेंगे। तो ये इंसर्जेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाईकोर्ट को गलत ठहराया, मगर वो ये भूल जा रही है उनका भाषण कोई वहाँ पे नहीं सुना, वायलेंस स्टार्ट कर दीजिए, इंसर्जेंसी स्टार्ट करती है वो लोग, ना ही आपका स्टेटमेंट, तो इससे ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं
माननीय प्रेसिडेंट मुर्मू जी से और लॉ मिनिस्टर जी से अनुरोध करती हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में नहीं होना चाहिए, इसका ब्रांचेस भी होना चाहिए। एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बेंच होना चाहिए, जो ताकि ऐसा सिचुएशन इरप्ट होने से पहले वो तहकीकत करें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि इन लोगों ने जजमेंट दे दिया मगर वहाँ पर कोई जनता सुन। जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म और अब्राहम रिलीजन पहला है वहाँ पे कम्युनिज्म इजीली घुस जाती है। ऐसे ही हुआ मणिपुर स्टेट में भी, जो मणिपुर जब बर्मिस वार में थोड़ा पार्ट बर्मा में चले गए अलियास म्यांमार और थोड़ा इंडियन ब्रिटिश आर्मी में आने गए, वो यूनियन टेरिटरी बनी, फिर बाद में स्टेटहुड उसको 72 में मिल गया, मगर तब से लेकर 50 ईयर्स तक इंसर्जेंसी वहाँ पर कंटिन्यू है। ये अब बात आपको मालूम है, ये इंसर्जेंसी जो ग्रुप ट्राइब्स के नीचे में होती रहती है ये कोई नई बात है। तो माइटीज पीपल में भी अब क्रिश्चियनिटी फैल गई है और माइटी पीपल्स अगेनेस्ट असम राइफल्स, जो मनोरमा केस को लेकर ये लोग असम राइफल्स को मणिपुर में आने नहीं दे रहा है, वो माइटी पीपल को ब्रेन वॉश करने वाले पीपल लिबरेशन आर्मी जो बंगाल से रिलेटेड होती है कम्युनिस्ट ग्रुप, ये लोग ऐसा करते हैं। वो जो मनोरमा को जिसके बारे में केस चल रही है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कम्युनिस्ट का बहुत बढ़िया एंटी इंडिया ब्रिगेड है, उसका भाग है वो मनोरमा। तो उनका केस को भी ये लोग एक सोशल काज की तरह दिखा रहे हैं और असम राइफल्स ना होने की वजह से ये आज का ये इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम बढ़ गई है। ये स्टेट का नहीं है, ये खुद पीपल ने डिसाइड किया असम राइफल्स वहाँ पर नहीं। बैरन सिंह स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, 50 ईयर्स से वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, क्या आप लोगों को मालूम है? तो बैरन सिंह का रिजाइन करने से क्या होता है, ये बहुत बद जम्मू कश्मीर से के वैली से ही बदतर रिजल्ट मिलेंगी जब अगर बैरन सिंह कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे तो। चीफ मिनिस्टर रहे तो ही ये हाल है, तो चीफ मिनिस्टर नहीं है तो जैसे कश्मीर पंडितों को वैली से निकाल दिया गया है, ऐसे माइटी पीपल जो एथनिक मणिपुर जिस नाम से जाने जाते हैं उन दिन का 3500 ईयर्स से एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, आर्ट है, एक रिकग्नाइजेशन है, उस उन माइटी पीपल को वैली से निकाल देने का जो साजिश को हम पूरा राइट देने का ये सोल्यूशन होगी अगर सीएम बैरन सिंह रिजाइन कर दिया था ऑन द मोमेंट। जैसे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पंडित एक्सोडस के पहले रिजाइन किया, ऐसा हो जाएगी मणिपुर में अगर बैरन सिंह अब नहीं रहा तो वहाँ पे, चाहे वो माइटी पीपल तो मगर सीएम तो सबका है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम वो आ रही है, कुकीज माइटीज को बिलीव नहीं थी, माइटीज नागा को, ये दोनों को एक दूसरे को बिलीव ही नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है। दूसरी बात आपको याद होगा कि 2015 जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तब UNLFW ने एक इंडियन आर्मी पर अटैक किया, तो तब से अपोजिशन ट्राई कर रही है ये नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी जी पे तोप कर, इनका फर्स्ट टर्म है ही ये फेलियर हो गया बोल के दिखाने का कोशिश मिला, मगर वहाँ पे उसके बाद जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी से टॉक्स हुए उसका नतीजा है इतने दिन तक वो पीस स्टेट बन के रही है, नहीं तो 50 ईयर्स इंसर्जेंसी वो चली है। क्यों इंसर्जेंसी है जो 50 ईयर्स से ऑलरेडी चल रही है, मगर एक स्टैगनेंट पीरियड था वो 2015 से लेकर अब 22 तक जो पीसफुल हो रहा है वो मोदी जी के टास्क की वजह से हो रहा है, ये आप बात भूलना चाहिए। मैं इंसर्जेंसी का बात इसलिए मीडिया वाले हमसे बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये नेशनल हाईवे 2 नेशनल हाईवे 37 को ब्लॉक करके कुकीज ऑर्गेनाइजेशन UPF KLF ऑर्गेनाइजेशन उसको रोड ब्लॉक्स करे तो माइटी जो वैली में जो भी सामान जाती है वो उसको ब्लॉक करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये इंसर्जेंसी है, ये कोई साधारण इश्यू नहीं है। जब अमित शाह जी जुलाई 3 को वहाँ पर विजिट में करे तो टेम्पररीली वो रोड
ब्लॉग्स को ये उन लोगों ने ओपन किया, तो ये बात साबित होती है वो ना ही स्टेट को सुनते हैं ना ही सेंट्रल को सुनते हैं। तो इससे ये पता चलता है ये सारा खेल एसटी का स्टेटस लेकर, मेटिस का एससी स्टेटस लेकर और हाईकोर्ट डिसीशन के ऊपर नहीं है। ये पर्टिकुलरली एंड पर्टिकुलरली मैं लिख कर देती हूँ, ये ओपीएम ये कल्टिवेट हो रही है। एक वीडियो में आप देख लीजिए, एक ये लेडी कह करती है कि हम जस्ट पॉपी सीड्स को कल्टिवेट करते हैं। क्या आपको मालूम है डेली यूसेज में भी पॉपी सीड्स वन टेबल स्पून या टू टेबल स्पून से एक हफ्ते में एक ही बार खाना है, उससे ज़्यादा कहते हैं ये इक्वल टू ओपियम है। तो ये सारा किस्सा तब स्टार्ट होती है जब बैरन सिंह ने ओपियम पर कड़ी कार्रवाई करेंगे बोल के उन्होंने अप्रैल 24th या 25th में उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्वे करने के लिए निकले, तब वहाँ पे तब स्टार्ट हुआ वहाँ पे वायलेंस। वो बढ़ते बढ़ते ये एसटी का हाईकोर्ट आर्डर के ऊपर और मेथड का वायरल वीडियो के बारे में वो बोल रहे हैं, तब पूरा का पूरा हाल बिगड़ गया। तब से लेकर अब तक वहाँ पे कोई शांति नहीं है, इवन दो आर्मी डिप्लॉय हो गए, क्योंकि माइटी पीपल समझती है क्योंकि जो भी आर्मी है वो उनको कुकीज़ को फेवर कर रही है। ऐसा ये लोग आर्मी को आने नहीं देते, खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं दो ट्राइबल के बीच में। तो अकाउंटेबिलिटी का बैरन सिंह का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। 77 डेज हो गया बोले तो वहाँ पे मेहताड़ से ही वहाँ पे जब भी वायलेंस शुरू हुई तब से इंटरनेट नहीं है, कोई पुलिस वहाँ पे तैनात नहीं है, पुलिस में ही बंटवारा हुआ है। कुकी पुलिस, माइटी पुलिस, असम राइफल्स में ही माइटी पीपल को इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों को कुकी का सपोर्टर्स मानते हैं। इन सारे झंझटों में अकेला चीफ मिनिस्टर कैसा करता है, क्योंकि मणिपुर पार्लियामेंट में 60 मेंबर्स एमएलए मणिपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 20 मेंबर्स एमएलए कुकी और नागा ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों कैसे फेल हुआ, क्योंकि इस इंसर्जेंसी में उनका घर भी जला गया। तो अकेले ये बाप को ही आप दोषित नहीं ठहरा सकते कि वुमन के साथ ये सब सारा करना, ये खाली एक बाप का आइडिया नहीं है। शायद इसमें कुकी एमएलएस का भी आक्रोश हो या मैटिस एमएलएस का, जो जिनका जल गया उन लोगों का रिवेंज हो, किसको जाता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होते आप कुकीज को एक कॉर्नर कैसे कर सकते हैं। अनगिनत ट्राइब्स वाले मणिपुर का हिस्ट्री को जनता के सामने ये प्रिंट और फैक्ट चेकर्स जैसे प्रिंट मीडियाज ने गलत ठहरा रही है, और कुकीज को एथनिक ग्रुप जो मणिपुर मेनमैन से बिलोंग करते हैं बोलने के कैसा है, ऐसा साजिश बना रहे हैं। जैसे कश्मीर पंडित में से कश्मीर पंडित एथनिक ग्रुप नहीं है, मगर जो इस्लाम है वहाँ पे स्थापित हुआ वो लोग एथनिक बोल के बोलने के लिए, जैसा कश्मीर वाली में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऐसा हुआ एक्सोडस ऐसे बोलने का जो साजिश चल रहा है, सेम ऐसी साजिश मणिपुर में रच रही है। एक्चुअली कुकी का हिस्ट्री ये है कि जब मणिपुर प्रिंसिपली स्टेट हुआ करती थी, जो वैली में राजा थे उन लोग नागा ट्राइब को अटैक्स को रोकने के लिए जो बॉर्डर से मणिपुर का बॉर्डर से है वहाँ में कुकी पीपल को इनको मिलिट्री में तैनात किया, मगर जब इंडिया बर्मिस वार हुआ ब्रिटिशर्स के साथ तब थोड़े लोग बर्मा में चले गए, थोड़े लोग म्यांमार में कुकीस रह गए, मगर अब जो म्यांमार का सिचुएशन है वो पक्का चाइनीज मिलिट्री रूल वहाँ पर चल रही है। जो ये बर्मा से जो म्यांमार से हम लोग कभी भी सेफ नहीं है, इनसे रोहिंग्या आते हैं और ये कुकीज मिलिट्रेंट ग्रुप्स भी आते हैं। ये एटलीस्ट चाइनी कुकी मिलिटेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो क्योंकि अब म्यांमार में तो स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिटेंट ग्रुप है जो चाइना का फेवरेटिज्म है, तो उन मिलिट्री ग्रुप से बचाने के लिए वहाँ से भाग कर आ रहे हैं म्यांमार पे, इसीलिए वो लोग एनआरसी और सीएए नहीं होना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो म्यांमार से हम लोगों को दो लोगों की अटैक हो रही है, वो एक कुकी इंसर्जेंसी मिलिटेंट ग्रुप्स चाइनी कुकी
जो ट्राइब होती है उनका मिलिटेंटी ग्रुप, ये लोग खुद की सेपरेट स्टेट होने के लिए मांग कर रहे हैं। और एक जो मणिपुर में दूसरा इंसर्जेंसी है जो नागा ट्राइब है जो ग्रेटर नागा लैंड के लिए फाइट कर रही है। तो ये इंसर्जेंसी का 50 ईयर्स में तो ये स्थापित होता है म्यांमार में इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट होने की वजह से वहाँ से भाग आने वाले कुकी जोमी ग्रुप्स और चाइना कुकी ग्रुप्स को मिलिटेंसी को रोकने की एक सॉल्यूशन मांग रहे हैं। मगर अमित शाह जी ने 2019 में एक IPL बोले तो इनर परमिट लिमिट बोल के एक बना दिया जो मेडिस का मांग थी वहाँ पे मणिपुर का सारा स्टेट्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसको एक्सेप्ट कर दिया। मगर NRC के होने की अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका सॉल्यूशन NRC ही कर सकती है। जो लोग मोदी जी को और बीरेन सिंह जी को अटैक कर रहे हैं अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाए बोले तो उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि खाली CM बीरेन सिंह को निकाल देने से कुछ नहीं होता। वहाँ पे 40 MLAs मेटी कमेटी को रिप्रेजेंट करती है और 19 MLAs जो कुकीज और नागा ट्राइब्स के रिप्रेजेंट करती है, और वो आर्टिकल 371C की से वो डायरेक्ट MLAs प्रेसिडेंट मुर्मू जी से मिलकर अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कह सकते हैं। तो वो लोग क्यों अपनाया ये सॉल्यूशन, ये प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो किया, क्यों नहीं चाहते वो लोग मणिपुर जले नहीं, क्योंकि सब चाहते हैं मणिपुर, क्योंकि इसमें अपोजिशन INDA जो इंक्लूसिव पार्टीज है वो सब चाहते हैं मणिपुर बने ताकि मोदी जी पर सारा खेल और मैटी ग्रुप का सारा चरित्र को बदनाम करे। जैसे कश्मीर पंडितों का चरित्र बदनाम करे ऐसे ही मैटी लोगों को बदनाम करने के लिए वायरल वीडियो लेके आ गया। एक तरफ केरला में वुमेन शॉविनिज्म दिखती है और मणिपुर में वुमेन विक्टिम बन जाती है। जब जब जहाँ जहाँ कम्युनिज्म पहली है वहाँ पे नंगा नाच देखने को मिलते हैं और ये वीडियो इसका नतीजा है। मैं इंक्लूसिव INDA इंक्लूसिव पार्टी का ये साजिश है मैं बोल रही, इसे इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट 2001 में फुल वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन को क्यों कैंसिल किया, वहाँ पे एस्टाब्लिश्ड गवर्नमेंट को क्यों कैंसिल करवाया, क्यों वहाँ पे उसका गवर्नमेंट को निकाल दिया, और कैसे 1995 में तब तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, तो कैसे 1995 में म्यांमार के पार्लियामेंटेरियन जो कुकीज जारा कम्युनिटी का बिलोंग करते हैं वो मिलिटेंसी बढ़ाने के वो पहला रीज़न है और अंतिम रीज़न है, उन म्यांमार पार्लियामेंटेरियन को यहाँ पे पनाह किसने दी, जिसकी वजह से आज इंसर्जेंसी की वजह वहाँ पे मिलिट्री गन, क्योंकि मेताड़ के वजह से जो वायलेंस स्टार्ट हुई तब पुलिस स्टेशन अटैक होके सारे लोग अपना अपना गन्स चुरा के लेकर गए, स्पिनर गन्स AK-47। अगर ये लोग मिलिटेंसी या मेंटेन जो भी नहीं करता है मणिपुर में वो मैटी ग्रुप है, और जो रिमेनिंग नागा ग्रुप और कुकी ग्रुप मिलिटेंसी मेंटेन करती है क्योंकि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, इसीलिए वो एंटी गवर्नमेंट होते हुए ये लड़ाई लड़ते हैं मैटी ग्रुप से। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, ये इतना सक्षम से AK-47 चलाने वाले को ST का रिकॉग्निशन देने से और डेंजर बढ़ जाती है। 3 months का जो भी प्रॉब्लम है उसको ऐसे देखेंगे, इधर ST कोटा की वजह से ये सारा इंसर्जेंसी ये वायलेंस शुरू हुआ, या OPM कल्टीवेशन पर बीरेन सिंह ने कड़ी हाथ रखने के लिए कोशिश किया इसकी वजह से हुआ। दो बात क्लब करके देखे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। हम प्रॉब्लम को डिवाइड करके देखेंगे, ये आप OPM कल्टीवेशन के लिए वजह से हुआ या ST रिजर्वेशन से हुआ है। अगर ये ST रिजर्वेशन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो कुकीज भी नहीं आती, इधर होल स्टेट ST को रिकॉग्नाइज करो या कुकीज को ST स्टेटस से निकाल दो नागास को भी, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में बदल गया, हिंदू है तो ही ST स्टेट ST डेफिनेशन मिल सकती है। ये लोग ST डेफिनेशन से ही कभी ब्रिटिशर्स रहते वक्त ही क्रिश्चियनिटी में बदल गया, अपना कोई कल्चर नहीं, जो भी क्रिश्चियनिटी करती है उससे ही ये लोग चल रहे हैं, तो ये ट्राइब्स का डेफिनेशन से ही बाहर निकल गए, जो भी रह गया है वो माइटीज को मिलना चाहिए ये ST रिजर्वेशन। ये सुप्रीम कोर्ट्स क्यों नहीं पहचान रहे और हाई कोर्ट्स को क्यों
कर रही है, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश में वाई एस राजशेखर रेड्डी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो तब हाईकोर्ट को ही अप्रोच किया जनता ने, इसको रोक दिया, इस अनवांटेड 4% रिजर्वेशन ऑन रिलीजन बेसिस्ड बोल के उसको हाईकोर्ट ने नकार दिया। तो अब हाईकोर्ट क्यों गलत होती है मणिपुर में, ये क्या फैंटेसी स्टेटमेंट के लिए क्या चंद्रचूड़ जी ने ट्राई किया, ये मुझे नहीं मालूम। हाईकोर्ट को पूरी पावर है क्योंकि मणिपुर इज अंडर स्टेटहुड नॉट ए यूनियन टेरिटरी, जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। रिजर्वेशंस को हाईकोर्ट डेफिनेशन दे सकती है, ऑर्डर भी दे सकती है। अगर ये ओपीएम कल्टीवेशन के ऊपर बैरन सिंह स्ट्रांग हैंड जाने की वजह से स्टार्ट हुआ तो ये मुझे डाउट आ रही है, ये INDA इंक्लूसिव पार्टीज़ जब चाइना जाकर सिग्नेचर किए माँ बेटे ने, तो उस पर डाउट आ रही है कि क्योंकि इंडिया में दो ही रूट है जहाँ पे ड्रग्स एक्सपोर्ट होते हैं, एक पाकिस्तान अफगानिस्तान के रूट है और दूसरा है ये मणिपुर अली से या बर्मा से जाने वाली एक चाइना रूट है। तो ये जो मिलिटेंट ग्रुप है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कड़ी नज़र रखनी चाहिए, यहाँ पे NRC CAA लागू होना चाहिए, तब इसका कोई सोल्यूशन मिलेगी। और रही जो 4000 जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, 4000 जो भी पुलिसमैन है मणिपुर का, वो लोग अगर ये ST स्टेटस जॉब की वजह से हो रहा है तो जो 4000 ऑलरेडी पुलिस में भर्ती होने वाली कुकी और मेटी ग्रुप वाले कैसे अपने जॉब छोड़कर अपने गांव पर रक्षा करने के लिए भाग गए, उन पर भी और असम राइफल्स में जो भी कंट्रोवर्सी है उन सबको एक ही तरह से उनको सजा देना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए या रिमूव करके नया रिक्रूटमेंट करना चाहिए ताकि हम जनता का दिल जीत सके। तो ये ST रिजर्वेशन को निकल देना ही पहला एंड लास्ट सॉल्यूशन भी हो। दोस्तों, एंटी इंडिया ग्रुप सब मिलकर मैटी ग्रुप का एक कॉर्नर कर रहे हैं, ये रिवेंज वीडियो भी हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल भी है इस वीडियो के पीछे। और एक पूरा वायलेंस को एक मॉब पर या एक कम्युनिटी पर डाल लेना ये अकलमंद की काम नहीं है, वो कुकी हो या माइटी हो या नागा हो कुछ भी हो, पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होने पर भी ये मामला सेटल होगी। और इस सेटलमेंट में ST रिजर्वेशन निकाल देना चाहिए, तभी इस मणिपुर में इंसर्जेंसी कम होगी, नहीं तो ये IPL CAA NRC कुछ नहीं काम करने वाली, क्योंकि जब ओपन होगी लैंड सबके लिए तभी कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। जैसे कश्मीर वाले में 370 आर्टिकल वो एक ही है, मगर यहाँ पे तो बहुत सारे चीज़ है जिसका सॉल्यूशन एक ही है, कड़ी निगरानी। जय हिंद, जय भारत।